दोस्तों को टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के चैनल में खुश आमदीद के तौर इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूं। जो लोग न्यू हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हर वक्त पहुँचती रहे। अगर इसके पीडीएफ चाहिए आगे वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह आप लोग हासिल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फर्स्ट मुस्लिम अमंग द स्लेव। गुलामों में सबसे पहले किन्होंने इस्लाम कबूल किया? इसका करेक्ट आंसर है हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद कुबा इज मेंशन इन विच सूरत। कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसमें मस्जिद कुबा का नेम मेंशन है? इसका करेक्ट आंसर है सूरह अल तौबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ कुरैश इन बैटल ऑफ ओहद वाज। ओहद में कुरैश का लीडर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है अबू सुफयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रदर्स ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? करेक्ट आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सजदा इन कुरान। कुरान पाक में सजदों की तादाद कितनी है? करेक्ट आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट सूरह इन कुरान इज। कुरान पाक में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सूरह बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट सूरत इन कुरान इज। कुरान पाक में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सूरह कौसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ऑफर्ड हिज फर्स्ट ईद प्रेयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की पहली नमाज कब पढ़ी? इसका करेक्ट आंसर है 2nd हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ। पहला इस्लामिक कॉमनवेल्थ का कैपिटल कौन सा है? करेक्ट आंसर है मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन किबला वाज चेंज इन। डायरेक्शन कब चेंज हुई या किबला कब चेंज हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 2nd हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन कंप्राइजेस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कितने बरस मक्का में गुजरे? इसका करेक्ट आंसर है 53 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज मेंशन इन कुरान। कुरान पाक में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मरतबा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है 66 times। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किस मुल्क में भेजा गया था? इसका करेक्ट आंसर है इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैड हाउ मेनी सन्स। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मीट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आफ्टर डैश ईयर्स। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आपस में मीटअप कब हुआ, कितने बरस के बाद? इसका करेक्ट आंसर है 40 years के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत यूनस रिमेन इन द बेली ऑफ फिश फॉर। हजरत यूनस अलैहिस्सलाम जो फिश की बेली या पेट में कितने दिन रहे? इसका करेक्ट आंसर है 40 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका वाज कंकर्ड इन द रीजन ऑफ। अफ्रीका को किस दौरे हुकूमत में फतह किया? इसका करेक्ट आंसर है हजरत उस्मान रज़ी ताला अन्हो के दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत अली वाज मैरिड टू हजरत फातिमा रज़ी ताला अन्हो ऑन। हजरत अली रज़ी ताला अन्हो की हजरत बीबी फातिमा के साथ शादी कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 2nd हिजरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ रसूल इज। रसूल का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मैसेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सूरत अल कैफ इन द होली कुरान इज। कुरान पाक में सूरत अल कैफ कौन से नंबर पे आती है? इसका करेक्ट आंसर है 18 number। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द स्पीकर ऑफ प्रॉफिट। स्पीकर ऑफ प्रॉफिट का टाइटल किनको मिला है? इसका करेक्ट आंसर है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को।
लेक्सन की तरफ सुनत इन कुरान डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्ला, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्ला से शुरू नहीं होती? इसका करेक्ट आंसर है सूरह तौबा। लेक्सन की तरफ सूरह ऑफ कुरान हैज ट्वाइस बिस्मिल्ला, कुरान पाक की कौन सी सूरत है जिसमें दो मरतबा बिस्मिल्ला आता है? इसका करेक्ट आंसर है सूरह नमल। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इस्लामिक मंथ इज, इस्लामिक महीनों में सबसे पहला मंथ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है मुहर्रम। नेक्स्ट इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम इज, इस्लाम का दूसरा पिलर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सलात यानी कि नमाज। नेक्स्ट टू द ज़कात इज पेड एट द रेट ऑफ, ज़कात किस रेट पे पे की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 2.5%। नेक्स्ट टू द हाउ मेनी वर्सेस आर इन होली कुरान, कुरान पाक में आयात की तादाद कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 6666 यानी कि 6666। नेक्स्ट टू द विच सूरह इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान, किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सूरह यासीन को। नेक्स्ट टू द हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ ज़कात केम इन कुरान, कुरान पाक में ज़कात का जिक्र कितनी मरतबा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है 32 टाइम्स। नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इज लोकेटेड इन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो कब्र है वो किस मकाम पे है? इसका करेक्ट आंसर है उमान में सलाला। नेक्स्ट टू द व्हेन डिड द बैटल ऑफ कैमल टुक प्लेस, जो ऊंटों की जंग कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 36 हिजरी को। नेक्स्ट टू द हाउ मेनी टाइम प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम इज वाज मेंशन डैश इन द होली कुरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में जिक्र कितने मरतबा है? इसका करेक्ट आंसर है 136 टाइम्स। नेक्स्ट टू द टाइप्स ऑफ नेबर्स आर, हमसायों की कितनी किस्में होती है? करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट टू द हजरत सलमान अलैहिस्सलाम बिल्ट विच मॉस्क, हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने कौन सी मस्जिद तमीर कराई? करेक्ट आंसर है मस्जिद अक्सा। नेक्स्ट टू द हाउ मेनी टाइम्स कलमे तैयबा इज मेंशन इन द होली कुरान, कलमे तैयबा कुरान पाक में कितनी मरतबा आया? करेक्ट आंसर है 2 टाइम्स। नेक्स्ट टू द मिरर वाज इन्वेंटेड बाय प्रॉफिट, शीशे को किस पैगंबर ने इन्वेंट किया, इजाद किया? करेक्ट आंसर है हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट टू द नीडल वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट, जो नीडल सुई इसको किस पैगंबर ने इजाद किया? करेक्ट आंसर है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट टू द हाउ मेनी सूरत ऑफ द होली कुरान कंटेन टोटल 3 वर्सेस, कुरान पाक की कितनी सूरतें जिसकी 3 आयात हैं? करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट टू द बर्ड क्रो इज मेंशन इन कुरान इन विच सूरत, क्रो यानी कि कौवे का जिक्र कुरान पाक की सूरत में है? करेक्ट आंसर है सूरह मैदा में। नेक्स्ट टू द रियल नेम ऑफ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वाज, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का असल नाम क्या था? करेक्ट आंसर है यूसुफ। नेक्स्ट टू द विच इवेंट इज कॉल्ड एज अ डे ऑफ फुरकान इन द होली कुरान, कुरान पाक में डे ऑफ फुरकान किस इवेंट को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ग़ज़वे बदर को। नेक्स्ट टू द टोटल रुकू इन सूरह अल इमरान, सूरह अल इमरान में रुकू की तादाद कितनी है? करेक्ट आंसर है 20। नेक्स्ट द रियल नेम ऑफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? करेक्ट आंसर है अब्दुल गफ़ार। नेक्स्ट टू द होली कुरान हैज ट्रांसलेटेड हाउ मेनी लैंग्वेज, कुरान पाक का तर्जुमा कितनी ज़बानों में? करेक्ट आंसर है 114। नेक्स्ट टू द ट्रेजेडी ऑफ करबला वाज हैपन इन डैश हिजरी, करबला का वाक़िया जो है ये 61 हिजरी को हुआ। नेक्स्ट क्यूज है हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन फर्स्ट कलमा, पहले कलमा में अल्फाज की तादाद कितनी है? करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट क्यूज है स्ट्रीट वेयर प्रॉफिट मोहम्मद पीस पी अपॉन बर्थ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस गली में पैदा हुए थे? करेक्ट आंसर है सुकुल लै। नेक्स्ट क्यूज है इन विच सूरह इज डिस्क्राइब द वननेस ऑफ अल्लाह, परपा की कौन सी सूरत है जिसमें अल्लाह की वदनियत बयान की गई है? करेक्ट आंसर है सूरह इखलास। Next to the which prophet was able to talk with animal and jinns? Correct answer is Hazrat Sulaiman alaihissalam. Next to the how many khutbah are recited during Hajj? Hajj ke duran kitne khutbe hote hain?
Correct answer is only one. मिज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the title of. मिज़बान रसूल का लक़ब किनको मिला? Correct answer is हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को. Next one is बाथा वैली is situated. बाथा वैली कहाँ पे मौजूद है? Correct answer is मक्का में. Next one is how many verses in Surah Al-Baqarah? और बाकी सबसे बड़ी सूरत जिसका नाम है सूरह बकरा, उसकी आयात की तादाद कितनी है? Correct answer है 286 आयात. Next one is how many verses are in Surah Al-Fatiha? सूरह फातिहा की आयात की तादाद कितनी है? Correct answer है 7. Next one is how many sons जिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? Correct answer है 3. Next one is हजरत ईसा अलैहिस्सलाम pray to Allah to become the ummati of which prophet? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे कि वो किन की उम्मत में से हो? करेक्ट आंसर है हजरत मोहम्मद पीस पी अपॉन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हजरत मोहम्मद पीस पी अपॉन इज कॉल्ड विद द नेम अहमद इन विच सूरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद के नाम से कुरान पाक में किस सूरत में आया है? करेक्ट आंसर है सूरह सैफ में. नेक्स्ट क्वेश्चन द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन डैश टाइम इन द होली कुरान. कुरान पाक में मोहम्मद का लफ्ज कितनी मरतबा आया है? करेक्ट आंसर है 4 टाइम्स. नेक्स्ट के द फर्स्ट ग्रेट अरब अल्केमिस्ट वाज. अरब के पहले सबसे बड़े अल्केमिस्ट कौन थे? करेक्ट आंसर है जाबिर बिन हयान. नेक्स्ट के द हु हैज बीन टाइटल्ड एज द सेवियर ऑफ इस्लाम. सेवियर ऑफ इस्लाम का लकब किनको मिला? करेक्ट आंसर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु. नेक्स्ट के द व्हाट इज मेंट बाय अल्लाह अट्रीब्यूट अलबारी. अलबारी जो अल्लाह ताला के नामों में से है, इसका मतलब क्या है? करेक्ट आंसर इज द मेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडेड सेकंड अजान फॉर फ्राइडे प्रेयर. जुमे के दिन जो दूसरी अजान है वो किसने ऐड कराई? करेक्ट आंसर इज हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन द होली प्रॉफिट सेंट देम लेटर. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को इस्लाम के दावत नामे भेजे थे तो कितने बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया? करेक्ट आंसर इज 4. नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट स्टे एट मक्का फॉर द डेज आफ्टर इट कॉन्क्वेस्ट. जब मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह फरमाया उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने आयाम मक्का में गुजारे? करेक्ट आंसर इज 15. नेक्स्ट वन इज हजरत डैश वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ होली कुरान. कौन से सहाबी हैं जो कुरान पाक के पहले हाफिज हैं? करेक्ट आंसर इज हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन पीरियड. किसके दौरे हुकूमत में इस्लामिक वर्ल्ड की पहली मरतब शुमारी हुई? करेक्ट आंसर इज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर 18 इयर्स हजरत डैश सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज. 18 साल तक किन्होंने जो स्किन की डिजीज से सफर किया है? करेक्ट आंसर इज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम. नेक्स्ट इज द कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड. खाना काबा का जो कवर है इसको क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज किस्वा. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग सूरह इन द होली कुरान नेम आफ्टर इंसेक्ट. इंसेक्ट पे कुरान पाक की कौन सी सूरत का नाम है? करेक्ट आंसर इज सूरह नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव प्रेयर वर डिक्लेयर्ड कंपल्सरी इन. पांच नमाजें जो फर्ज की गई कब की गई? करेक्ट आंसर इज 10th नबवी. नेक्स्ट क्वेश्चन होली कुरान ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय. कुरान पाक का तर्जमा पर्शियन में किसने किया? करेक्ट आंसर इज शाह वलीउल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन मैट्रे ऑफ इस्लाम. इस्लाम में पहली शहीद होने वाली खातून का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हु. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द एज ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम व्हेन हजरत इस्माइल अलैहि सलाम वाज बर्न. हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की उम्र कितनी थी जब हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की पैदाइश हुई? करेक्ट आंसर इज 86 इयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम द वर्ड कुल हैज बीन रिपीटेड इन द होली कुरान. कुरान पाक में कुल का लफ्ज कितनी मरतबा है? करेक्ट आंसर इज 332 टाइम्स.
एक्शन क्यूज है, व्हाट इज द नेम अबाउट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था? करेक्ट आंसर इज अर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्सेस वर इन फर्स्ट वही, पहली वही जो नाज़िल हुई उसकी आयात की तादाद कितनी थी? करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अल्फाबेट इज मोस्टली यूज्ड इन द होली कुरान, कुरान पाक में सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? करेक्ट आंसर इज अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज किल्ड बाय हजरत हमजा इन द बैटल ऑफ बदर, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को किसने शहीद किया था जंग बदर में? करेक्ट आंसर इज शिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रिवीलेशन टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन केम इन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही थी किस मकाम पे नाज़िली? करेक्ट आंसर इज केव हिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सहीफे वर रिवील्ड टू हजरत इदरीस अलैहि सलाम, हजरत इदरीस अलैहि सलाम पे कितने सहीफे नाज़िल हुए? करेक्ट आंसर इज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिटन ऑन द होली प्रॉफिट सील, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर पर क्या चीज लिखी हुई थी? करेक्ट आंसर इज अल्लाह रसूल मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में पहला आइन कौन सा लिखा गया? करेक्ट आंसर इज मिसाक मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतीब उल अंबिया विद द टाइटल ऑफ, खतीब उल अंबिया का लकब किनका है? करेक्ट आंसर इज हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़कात कैन बी गिवन टू द फॉलोइंग पीपल, ज़कात किसको दी जाती है? करेक्ट आंसर इज पुअर एंड नीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रॉफिट अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग वैलेट्स, कौन से पैगंबर थे जो अपनी जिंदगी की जो कमाई है वो बटुए बनाने पे थी? करेक्ट आंसर इज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द बेस्ट मंथ मेंशन इन द होली कुरान, कुरान पाक में सबसे बेहतरीन महीना किसको करार दिया गया? करेक्ट आंसर इज रमजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टोन मेंशन इन द होली कुरान, कुरान पाक में कितने पत्थरों का जिक्र है? करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मुहाजरीन वर देयर एट द टाइम ऑफ मुवक्खात, मुवक्खात के बाद मुहाजरीन की तादाद कितनी थी? करेक्ट आंसर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम सेकंड मुस्लिम वुमन इन इस्लाम, इस्लाम में दूसरी खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्या नाम था? करेक्ट आंसर इज हजरत लुबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द नेम अहमद फॉर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन, अफ़सल वसलम का नाम अहमद किसने रखा? करेक्ट आंसर है हज़रत अम्ना रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किला कमूस वाज कंक्वर्ड बाय विच सहाबी, किस सहाबी ने किला कमूस को फतह किया? करेक्ट आंसर है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉस्क वाज ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू डिस्ट्रॉय, अल्लाह ताला ने किस मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया? करेक्ट आंसर है ज़रार। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन सैक्रिफाइस हाउ मेनी कैमल एट द ओकेजन ऑफ हज, हज के मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊंटों की कुर्बानी की? करेक्ट आंसर इज 63 कैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाफिज कुरान वर शहीद इन जंगे यमामा, जंगे यमामा में कितने हफाज कराम की शहादत हुई? करेक्ट आंसर इज 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सूरह इन द होली कुरान व्हिच हज इज कमांडेड, किस सूरत में हज का जिक्र है? करेक्ट आंसर इज हजरत सूरह बकरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज तस्मिया इन कुरान, तस्मिया क्या है कुरान में? करेक्ट आंसर इज बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम वाज बर्न, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की पैदाइश कहां पे? करेक्ट आंसर इज इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्सेस इन आयत तस्बीह आर इन द होली कुरान, कुरान पाक में आयत तस्बीह की कितनी आयत है? करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर ऑफ द होली प्रॉफिट बरीड है, अफ़सल वसल्लम की वालिद माजदा का वालदा माजदा का जो कब्र है कहाँ पे? करेक्ट आंसर इज अबवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट पीरियड बिटवीन टू सजदे इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज जलसा। अगर हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 03410503722 पे मैसेज करें इस टाइटल का वीडियो।